हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो 21 जनवरी को है और आज आपका 10 जनवरी हो ही गया है। मुश्किल से आपके पास अगर देखा जाए तो 10 डेज भी नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले तो आप अपना एडमिट कार्ड, कहाँ पे आपका सेंटर गया है, ये सारी चीज़ें सोचने में लग जाता है। तो बेसिकली हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, 1 वीक और है आपके पास। एंड लास्ट समय आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपके मार्क्स जो है इंक्रीज हो, साथ में जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो अगर उसमें कुछ गलतियां हैं आप उसको भी जो है एनालिसिस कर ही रहे होंगे, उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, क्या करना चाहिए जिससे कि आपका 130+ जो है आ जाए। क्योंकि नो डाउट इस बार आप सभी ने बहुत अच्छे से मेहनत की होगी, बिकॉज पिछली बार का पेपर आपने देखा ही था, इतना टफ क्वेश्चन पूछा गया था, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, आपका मैथ साइंस हो या फिर आपका सोशल साइंस हो, तो इस बार आपने उसके हिसाब से तैयारी की होगी। और आपको पता है कि मैं आपको डेली जो है मैराथन में क्लासेस दे ही रही हूँ, क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो उस वहां पर मैं आपको बताती भी हूँ कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आप अपना समय बचा सकते हैं, वो सारी चीजें तो आपने देख ही ली होगी। तो बेसिकली यहाँ पर मैं कुछ चीजें बताऊंगी और अगर आपने वो सारी चीजें कर ली हैं या कर भी रहे हैं तो आपका 100% सीटेट जरूर पास होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम भटक जाते हैं एक ही टॉपिक्स के लिए, जैसे कि पीआरजे पढ़ रहे हो या एसएसटी पढ़ रहे हो, उसी सेम चीज के लिए आप 10 वीडियो देख लेते हैं एक कंटेंट के पीछे। तो यहां पर मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ जिससे कि आपको जरूर हेल्प होगा। और अगर आपने ये सारी चीजें किया है या फिर आप कर रहे हैं तो नो डाउट आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत पढ़ने के बावजूद भी स्कोर नहीं बढ़ रहा है, लास्ट टाइम पे आपको कितने प्रीवियस क्वेश्चंस करने चाहिए, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, ये सारी चीजें जो भी जरूरी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप ये चीज करेंगे तो आप में से कोई भी फेल नहीं होगा। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि क्लासेस होती ही हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि 150 क्वेश्चंस, ये आप सभी को पता है होगा, और ऑफलाइन पेपर है तो आपको बबल्स वगैरह जो है गोले वगैरह भरने की प्रैक्टिस कर लेनी है अगर आप पहली बार ऑफलाइन पेपर देने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 150 क्वेश्चंस हैं, अब इस 150 क्वेश्चंस को आपको 2.5 घंटे में करना है अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतने लेंथी क्वेश्चंस आते हैं कि कई बार आपने क्वेश्चंस इतना पढ़ा और जैसे आप नीचे ऑप्शंस पे आएंगे ना, एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा होता है आप भूल जाओगे कि पूछा क्या था इसमें, ऐसा होगा। तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। अब इस 150 क्वेश्चंस ऑफलाइन पेपर है, 90 नंबर लेकर आएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है, एक जनरल बता रही हूँ, बाकी ओबीसी एससी एसटी में तो छूट भी है। तो आपके 75 मार्क्स पूरा कंटेंट बेस रहेगा एंड आपका दूसरा 75 मार्क्स पूरी पैडागोजी, और ये जो पैडागोजी है ना आप इसमें अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। इवन कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनका 75 पैडागोजी क्वेश्चंस पूरे सही होते हैं, बिकॉज इसमें क्या है ना कि कंटेंट वाले में फैक्चुअल चीजें पूछी जाती हैं, एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, आपने नहीं पढ़ा है आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैंने हमेशा से बोला है कि आप अपनी पैडागोजी स्ट्रांग कर लो, किस किताब से करेंगे किसी किताब से नहीं मिलेगा। इस पैडागोजी में आपके ट्रिक्स काम आते हैं जिसे हम बोलते हैं टैग वर्ड्स, एंड अगर आपने इन टैग वर्ड्स की मदद ली तो नो डाउट आपके पैडागोजी के क्वेश्चन सही होंगे। क्योंकि बहुत आसान होता है, वो क्या पूछता है पैडागोजी में कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है, साथ में मैनेजमेंट या फिर कोई चीज दे देगा इसमें से पूछेगा क्या इसके बारे में ये सही कथन है या नहीं, तो उसमें कुछ कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जैसे कि टैग वर्ड्स होंगे जिसकी मदद से आप अपने पूरे 75 सिक्योर कर सकते हो। मान लो चलो 75 में से आपके 70 आ रहे हैं, कंटेंट आपने पढ़ा ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि अभी तक आपने पढ़ा ही ना हो। और यहां से अगर आप सोच लो, अगर आप यहाँ पे 70 लेकर आ रहे हो, यहाँ अगर आप बहुत ही बेकार रहा तो आप मान लो 30 लेकर आ रहे हो तो भी तो आपके पास हो जाएंगे ना, यहाँ पे आपके 30 और वहां पे आपके 70। आप सोचिए मान लो 70 नहीं भी आता है, 60 कर लेते हैं तो फिर ये बॉर्डर वाला हो जाएगा एक, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूंगी कि आपको पैडागोजी को तो अच्छे से करना ही है, साथ में कंटेंट भी करना। तो ये मैंने आपको एक तरीके से बताया है कि ये आपके 75-75 में डिवाइड रहेगा, आपको पैडागोजी में ट्रिक्स का यूज करना है और कंटेंट में कोई ट्रिक्स काम नहीं आती है, पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो तुक्का ही लगाना पड़ेगा, जो कि मत करना क्योंकि अब तुक्का से भी सही नहीं होने वाला है। अब यहां तक आपने कर लिया, सबसे पहले आपने सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट किया ही होगा, आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो चुका होगा। अब आपने जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, इस प्रीवियस क्वेश्चंस में जो आपको लगता था कि ये आपका टॉपिक जो है वीक है, इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप इसको नोट करना चाहिए, तो यहां से आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। अब नहीं बनाया है शॉर्ट नोट्स, जैसा भी नोट्स बनाया है सिंपल सी बात है आपको उसको रिवाइज करना है, रिविजन करना है कॉन्टेंट का।
पैडागॉजी के लिए आप प्रैक्टिस करो, बट आप कंटेंट को हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि इजी क्वेश्चंस गलत होंगे जो कि आपके नंबर्स को कम करता है। वहां इतना प्रेशर हो जाएगा ना टाइम का, एक तो ऑफलाइन पेपर है, एक भी गोला आपने गलत भरा तो वो प्रेशर क्रिएट होने लगेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगी कि आप पहले कंटेंट को अच्छे से रिवाइज करो। अगर आपने इसको अच्छे से रिवाइज किया है तो आपके इसमें गलत होने के चांसेस तो होंगे बट उतने नहीं होंगे। तो ये एक पैटर्न है। अब ये लास्ट टाइम पे आपको क्या प्रीवियस क्वेश्चंस करना चाहिए, मॉक टेस्ट, मैं बोलूंगी आपको केवल और केवल PYQ करना है। एग्जामिनेशन के एक दिन पहले तक भी आप प्रीवियस क्वेश्चंस के दो दो सेट लगा कर जाना। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा रियल टाइम कि आपने कितने घंटे में पेपर किया है, एंड आपको एक जो है ना पॉजिटिविटी, हम पॉजिटिव फीलिंग आती है कि अच्छा हमने दो घंटे में कर लिया है, इतने दिन से तो मैं कर ही रही हूँ, आज एक फाइनल टेस्ट देती हूँ ताकि कल जो है वहां पे अच्छे से परफॉर्म हो। तो आपको PYQ करना है और एग्जामिनेशन के एक दिन पहले तक भी आप करना, दो दो सेट लगा कर जाना, एक पेपर वन का एक पेपर टू का। इससे टाइम आप मैनेज कर पाओगे, वो प्रेशर भी आपको लगेगा कि यस आप कर सकते हो। दूसरी चीज कि आपके मार्क्स भी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी ये मत सोचना कि अरे मार्क्स कम हो जाता है तो डीमोटिवेशन आ जाता है, ऐसा नहीं है। टॉपिक्स आपकी क्लियर है, आपकी पैडागॉजी भी पकड़ है, तो आपके नंबर कैसे कम हो सकते हैं। बाकी ये इस समय आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, और वो भी प्रीवियस क्वेश्चन से करना। मैं बोलूंगी कि मॉक टेस्ट मत करना, अभी मॉक टेस्ट मत करना, क्योंकि सीटेट ही एक ऐसा पैटर्न है, सीटेट के जैसा क्वेश्चन कोई बना भी नहीं सकता है, हर बार उसके क्वेश्चंस अलग होते हैं, और उसकी प्रैक्टिस आप प्रीवियस क्वेश्चन से करेंगे। तो सिंपल सी चीजें आपको फॉलो करनी है, आपको पैडागोजी की पकड़ अच्छे से करनी है, पैडागोजी के लिए जितना चाहे उतना प्रैक्टिस करो, साथ में कॉन्टेंट का रिविजन करते रहो, और एक जो मैंने हमेशा से बोला है कि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज जरूर करना। चार ऑप्शंस आए तो सबसे पहले देखो कि इसमें से कौन सा नहीं है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड एक ऐसा टूल है ना जो कि आपके टफ क्वेश्चंस को बहुत इजी बना देता है। तुरंत छाटो कि अच्छा ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन से खत्म करो, राइट आंसर आता है, गोले बनाओ, आगे बढ़ो। और अभी से मैं ये बोलूंगी कि आप क्वेश्चंस के पैटर्न को सीरियल वाइज करना, क्योंकि मान लीजिए आपने ये गोले भरे और यहां पे भर दिया, अब मान लो जैसे कि पहला है दूसरा है, अब दूसरे में दूसरे के बजाय आपने तीसरे में गोला भर दिया, यहां से सीरीज बिगड़ती जाएगी और लास्ट तक आपका पूरा खत्म, ऐसा होता है। तो आप एक एक करो, ये नहीं कि पहले आपने पूरे 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं अब बैठ के आप गोला भर रहे हो, ये गलती मत करना। तो ये प्रैक्टिस आपको अभी से करना है, और आप कुछ नया बदलाव मत कर लेना, जैसे कि आप अभी से मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपको मैथ को लास्ट में करना है और आप वहां पे पहले ही कर लिए। जिस तरीके से आपने प्रैक्टिस की है, जिस वे में, आपको वही चीज अप्लाई करनी है। बेसिकली सीटेट का एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम है, बट ये है कि क्वेश्चंस बहुत लेंदी आते हैं, पेपर उतना टफ नहीं आता है, बट इतने लेंदी लिखे होते हैं कि पढ़ने में टाइम जाता है। टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से कुछ क्वेश्चंस छूटते हैं, जिसकी वजह से फिर आप लास्ट में तुक्का लगाते हो। दूसरी चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, पैसेज आपके 30 नंबर फ्री के हैं, तो प्लीज पैसेज आपको, मेरे इस चैनल पे आने वाला है कल, आपको पैसेज की वीडियो मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों की, आपको किस तरीके से करना है। और ये ट्रिक 1,00,000 से अधिक बच्चों ने पिछली बार ही अप्लाई किया था जो मैंने बताया था, और उनके पैसेज में 30 में से 30 आए हैं, जिसकी वजह से आपका स्कोर बढ़ेगा। तो कल इसकी वीडियो आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हाथ में 30 नंबर, कुछ नहीं करना, नकल करना है बस, सोचो इसमें पढ़ना भी नहीं है ना दिमाग लगाना है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग पैसेज से देखिए आंसर पुट कर दीजिए, बस दैट्स इट। तो ये आपको मैं कल बताऊंगी, बाकी आपको लास्ट टाइम पे बस कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपको यही करना है कि प्रैक्टिस करते रहो, जो भी समय मिलता है उसमें प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से जो आपका PYQ से जो भी टॉपिक्स आपको लगता है कि आपको रीड करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, बस इतना ही करना है। और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी रीजनिंग जरूर लगाना, रीजनिंग इन द सेंस कि अगर आपको लग रहा है कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो रहा है तो 1 by 1 सारे ऑप्शंस को मत पढ़ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है। मान लो मैंने एलिमिनेशन मेथड किया ABCD और मुझे मिल गया कि ये बी वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो मैं इसको पढ़ना भी जरूरी नहीं समझूंगी पूरा। अगर मेरे को यहीं पे ओनली जो है मिल गया केवल, तो हम इसको क्यों पढ़ेंगे अगर पॉजिटिव में पूछ रहा है तो क्योंकि आपको टाइम बचाना है, और ये टाइम आपके एलिमिनेशन मेथड से बच जाते हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, आपका रिवीजन चल रहा है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपके मार्क्स अच्छे खासे आ रहे हैं, आप हर दिन प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हो, आप क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में 2 घंटे में कंप्लीट कर रहे हो, तो 130 आराम से आपका आ सकता है, ठीक है। बाकी जो भी चीजें होंगी वो तो मैं आपको बताऊंगी, ट्रिक्स वगैरह जो भी चीजें होती हैं आप उसका यूज करें, एंड क्लासेस तो होती ही हैं, आप उसे जरूर देखें, 5 बजे डेली ही होता है। और जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसकी मदद से आपका सीटेट जरूर क्लियर होगा। आपका पिछली बार 1 नंबर से रुका है, बट इस बार नहीं रुकेगा अगर आप रिविजन कर रहे हैं तो, रिविजन एंड PYQ।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।